तो वेलकम टू सिविल टेक, यार सुमन सिंह। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे जो अंडरग्राउंड वायरिंग हम कैसे करते हैं। स्लैब कास्टिंग से पहले हम अंडरग्राउंड वायरिंग पीवीसी पाइप प्रोवाइड करते हैं वायरिंग के लिए। डाउन सीधा पंप क्यों प्रोवाइड करते हैं? डाउन से देखिए वायरिंग किए कंसील लाइट, कंसील लाइट के लिए हम ये प्रोवाइड किए हुए हैं, और फैन बैक्स के लिए, फैन बॉक्स के लिए हम स्लैब में अंडरग्राउंड पीवीसी पाइप प्रोवाइड करते हैं। क्यों प्रोवाइड करते हैं? वायरिंग के लिए, जब वायरिंग हो तो इसके थ्रू हम केबल को बाहर निकाल सके, लाइट लगा सके, फैन लगा सके, इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। देखिए ये कैंसिल लाइट का हो गया, ये कैंसिल लाइट का हो गया, वो भी कैंसिल लाइट का, इधर फैन बॉक्स का है। ये देखिए ये स्लैब रेनफोर्समेंट है, टॉप में है जो LY4 करके हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो डक्ट हो गया डिजाइन, ये डक्ट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि हमको टॉयलेट का जो मलबा हो या वाटर हो उसको फ्री वाटरिंग पाइपलाइन के थ्रू, इसी के थ्रू हम नीचे पाइप को कर सके, इसी के थ्रू हम नीचे पाइप को ले जाते हैं, इसलिए हम ये प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसलिए हम प्रोवाइड करते हैं। और देखिए यहाँ देखिए वायरिंग के लिए हम पीवीसी पाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ देखिए पूरा हर रूम में फैन है, फैन बॉक्स लगा हुआ है, फैन के लिए कैंसिल लाइट है, लाइट के लिए कैंसिल लाइट लगा हुआ है, और डाउन स्लैब हम टॉयलेट के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए बीम है, बीम हर साइड का हम प्रोवाइड किए हुए हैं। इसमें देखिए स्लैब में स्लैब लैम्प पोस्ट में है जो 8mm का भी हम स्टील यूज कर लिए हुए हैं, 10mm का भी हम स्टील यूज किए हुए हैं। ये देखिए ये मेन लाइन गया है वायरिंग का, जो है ये मेन लाइन गया है, जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग होता है, ये जो 4-5 पाइप दिख रहा है ये मेन लाइन गया, इसी के थ्रू मेन लाइन निकलेगा आगे के लिए, दूसरा मतलब फ्लोर में कनेक्ट होगा। दूसरा एक्सपेंशन ज्वाइंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो दूसरा नेक्स्ट एक्सपेंशन ज्वाइंट में हम इसी के थ्रू कनेक्ट करेंगे, लेकिन इसी के थ्रू हम कनेक्ट करेंगे, इसलिए हम ये पीवीसी पाइप अंडरग्राउंड वायरिंग बहुत अच्छा होता है। और